इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ डिफेंस सिस्टम अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे DRDO के प्रलय को लेके बात करेंगे। तो प्रलय के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक टैक्टिकल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, जो कि एक SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने PDV और प्रहार को मिला के बनाई है। प्रलय को लेके ये इन्फॉर्मेशन है कि 5 के नंबर में जो प्रलय है उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और जो डिलीवरी होगी वो अगले 6 महीने में होनी है। तो प्रॉब्ली आने वाले टाइम में और भी जो ट्रायल है आपको कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। 2 ट्रायल ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। जो पहला ट्रायल था वो दिसंबर 2021 में कंडक्ट किया गया था अब्दुल्कलाम आइलैंड से, जहाँ पे प्रलय की जो क्वालिटी है जिसमें ये फॉलो करता है कॉजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को, तो वो आपने वहाँ पे डेमोंस्ट्रेट की थी पहले ट्रायल में। और सेकेंड ट्रायल के टाइम पे मिसाइल को 2 बार फायर किया गया था 2021 के दिसंबर में ही, जहाँ पे जो मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है वो आपने अचीव की थी। तो पॉसिबली और भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और उसी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है 5 और यूनिट की वो की जा रही है, जिनको अगले 6 महीने में डिलीवर किया जाना है। प्रलय क्रिटिकल सिस्टम है भारत के लिए, स्पेशली चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे जो उसकी स्ट्राइकिंग रेंज है वो 500 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि 150 से 500 किलोमीटर तक जाती है। और कहीं ना कहीं ये एक चीपर ऑप्शन है ब्रह्मोस के कंपैरिजन में, जहाँ पे आप एनमी के इंस्टॉलेशन को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर पाओगे एक लॉन्गेस्ट स्ट्राइक रेंज से और हाई एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पर तकरीबन 370 किलोग्राम के अराउंड जो वॉरेड है वो ये कैरी कर सकता है, जिसको आप बढ़ा के ले जा सकते हो 700 kg तक। इसके CEP की बात करोगे तो 10 मीटर से नीचे की है। इस्तेमाल ये करता है 2-स्टेज रॉकेट मोटर का, जिसमें जो 3rd स्टेज है वो मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल है, जो कि सक्षम है किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को डिफीट करने में, क्योंकि एक बार वो री एंटर कर गया तो उसको आप मनोवर कर सकते हो और जो भी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स होंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप अवॉइड कर पाओगे। तो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, स्पेशली LSC के लिए। स्पेशली इसके वॉरेड में ये भी क्षमता है कि वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा सके, बिखर सके, जिसको आप रनवे डिनायल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन कहते हो, यानी कि RDPS वॉरेड कहते हो। सो उस तरह के वॉरेड के एक बार इस्तेमाल से किसी प्रकार का जो रनवे है एक लॉन्गर रेंज पे उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि जो भी आपके SRBM होंगे अगर उनको आप फायर करोगे स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए, तो वो एक एनमी कंट्री को फाल्स अलार्म दे सकता है न्यूक्लियर स्ट्राइक का। तो वो चीज यहाँ पे आप प्रलय के केस में अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि आप टैक्टिकली इसका इस्तेमाल कर पाओगे टैक्टिकल पोजिशन पे मूव करा के। सो एक बार जो इसका इंडक्शन है वो होता है और हाल ही में जो रॉकेट फोर्स बनाया जा रहा है ये प्रॉब्लम उसका पार्ट बनेगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर को लेके। तो इसके बारे में जो एक रिपोर्ट है ET Prime में वो पब्लिश हुई है, जो कि इस पे हुए करंट डेवलपमेंट को कवर करती है। इसको लेके ये रिपोर्ट है कि जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो 2024 में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वहां से प्रोटोटाइप बनाने में आपको 1 से 2 साल लगेंगे, मतलब 2026 तक जो प्रोटोटाइप है वो आ जाएगा और प्रॉब्लम जो पहली फ्लाइट है वहीं पे आपको दिखेगी। और उससे 4 साल बाद जो भी टेस्टिंग का फेज है वो निकलेगा, तो आप उम्मीद कर सकते 30 तक जो आपका TDBF है वो प्रोडक्शन में जाए। तो अभी TDBF को लेके जो अगला स्टेज है डेवलपमेंट का वो शुरू किया गया है, जिसमें इसके DSI और कनार्ड पे जो वर्क है वो डिटेल में किया जा रहा है। CDR से पहले हम सभी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रत्येक पार्ट है उन सब की डिटेलिंग की जाएगी, उनका जो अरेंजमेंट अंदर वो कैसे रहने वाला है ऑप्टिमली वो सारी चीजें यहाँ पे अचीव होंगी। तो एक बार वो चीज तय कर ली जाएगी तभी जो फाइनल क्लियरेंस है वो दे दिया जाएगा प्रोटोटाइपिंग के लिए। तो ये भी एक क्रिटिकल सिस्टम रहने वाला है इंडियन नेवी के लिए, स्पेशली जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं MiG-29 है, उनकी लाइफ एक अलग पेस पे डिटोरिएट हो रही है। हम सभी जानते हैं कि जो भी नेवी के एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं उनको एक अलग वेदर कंडीशन में ऑपरेट करना पड़ता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, सॉल्ट वाटर का जो इफेक्ट है, वो सभी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं। और इसीलिए आपको आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जो आपके IEF के एयरक्राफ्ट हैं सेम कैटेगरी के सेम क्लास के, वो नेवी के लिए आपको सेम लाइफ नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे जो दूसरे की कारण है वो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग है, जो कि काफी अच्छा खासा जो स्ट्रेस है वो आपके एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम पे लेके आता है। तो ये सब कुछ जो कारण है वो नेवी को फोर्स करेंगे उनके MiG-29K को जल्दी फेज आउट करने के लिए, और वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है TDBF की वो क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक लिमिटेड नंबर है वो ये प्रोक्योर करोगे MRCBF से, जो कि करंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 26 के अराउंड रहने वाला है। सो होपफुली जो TDBF पे काम है जिस तरह से प्लान किया जा रहा है उसे अचीव किया जाए, और अभी सभी चीज़ें आपको इसी तरह दिख रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।